जिस तरीके से समर्पित होते हो उसी रीत से वो आपके लिए प्लानिंग करता है। आप जिस रीत से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हो उसी के अनुसार वो आपके लिए योजना बनाता है। तो दोनों तरफ बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? अब्राहम ने परमेश्वर की क्या किया, उसने परमेश्वर को कहाँ बैठाया, धूप में बैठाया कि छांव में? एक हरा भरा पेड़ था और उसी हरे पेड़ के नीचे भोजन दिया, छांव में बैठाया। आप क्या करोगे? आप भी प्रभु को अपने दिल में अपने मन में बैठाओगे कि नहीं? एक जगह दो, वो जगह जो प्रेम से भरा हुआ है, वो जगह जो दया से भरा हुआ है, वो जगह जो समर्पण से भरा हुआ है। ऐसा चरित्र अगर हमारा तैयार हो तो हम प्रभु को क्या कर रहे हैं, छांव में बैठा रहे हैं, हम प्रभु को भोजन दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब इस समर्पण से अब्राहम ने सेवा किया तो अब्राहम 100 साल का हुआ, सारा 90 साल की थी, नाम धराई को प्रभु ने आपके जीवन से मिटा दिया। क्या मिटा दिया? पड़ोसी को बोलो, नाम धराई मिटाई जाएगी। लोग बोल रहे होंगे कि नहीं, हे अब्राहम, तू इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है पर तेरी पत्नी को संतान नहीं आया। तू जिस परमेश्वर की सेवा करता है क्या वो तुझे संतान नहीं दे सकता? तो अब्राहम कहता क्या रहा होगा, देगा, आज नहीं तो कल देगा। तो लोग बोलते होंगे, तेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, अभी भी तू विश्वास करता है कि देगा? अब्राहम कहता है, विश्वास में सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, यह क्या बात है, ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। नामधराई समझ रहे हो ना? अभी कितने दिन हुए प्रभु के साथ आपको चलते हुए, आपके लिए भलाई अभी नहीं आई क्या? लोग बोलते हैं, अभी आपके लिए भलाई नहीं आई क्या, अभी आपके लिए ये चीज नहीं हुआ क्या? चिंता मत करो, नाम धराई 100 साल मतलब 25 साल इंतजार किया अब्राहम ने, कितने साल, और उसका बेटा कितने साल इंतजार किया इसहाक, 20 साल, कितने साल, पर परमेश्वर अपने बेटों को, अपने बेटे बेटियों के परिवार से नाम धराई को मिटाया कि नहीं? पिता 25 साल इंतजार किया संतान के लिए, बेटा कितने साल इंतजार किया, 25 साल। ये बताइए जरा, क्या परमेश्वर ने उनकी नाम धराई मिटाई नहीं, मिटाया कि नहीं मिटाया? इतना देर आप में नहीं लगेगा, आपने प्रभु को जब जान लिया है तो वो अति शीघ्र आप अपने आप को समर्पित हो जाइए। 25 साल संतान नहीं आया अब्राहम के लिए, अब्राहम के पत्नी के जीवन में, तो क्या अब्राहम ने भक्ति करना बंद कर दिया? बोल के बताइए। इसहाक के जीवन में 20 साल संतान नहीं आया, तो इसहाक ने भक्ति करना बंद कर दिया? वो भक्ति करते रहे कि नहीं? क्यों करते रहे? क्योंकि उनको पता है कि हम जिसकी भक्ति करते हैं वो एक जिंदा परमेश्वर है। आमीन। अब्राहम से कहा कि मैं तुझे नियत समय पर, क्या बोला, नियत समय का मतलब निश्चित समय पर, और वो निश्चित समय पर परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारा को आशीषित किया। अब वो सूखा गर्भ, सूखी भूमि, बंजर भूमि अन्न पैदा करती है। याद रखना, परमेश्वर के साथ रहोगे तो कोई भी सूखी भूमि, कोई भी बंजर भूमि के साथ अगर आप आते हैं तो उसे हरा भरा होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, वो हरा भरा होने जा रहा है। सारा का गर्भ कैसा था, बंजर था कि नहीं? बंजर भूमि देखा है,
उस पे खेती कभी हो सकती है? ऐसा गर्व किसका था? तो परमेश्वर ने उसी गर्व से इसहाक को आने दिया। इसहाक का मतलब क्या होता है? दुख या आनंद? आनंद। आज ऐसा ही यीशु मसीह, जितने लोग बंजर भूमि लिए हुए आज यीशु मसीह के सामने बैठे, प्रभु हर बंजर भूमि को विकसित भूमि बनाकर आनंद देने जा रहा है। आमीन। बातों को समझ रहे? पकड़ लो इस वचन को, जाने मत देना, इस वचन को जाने मत देना। जब 90 साल की सारा बंजर थी, जब उसे प्रभु हरा भरा करके खड़ा कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं? प्रभु कहता है मैं कल और आज और युगान युग एक जैसा हूं। मैं हूं चंगा करने वाला, मैं हूं बचाने वाला, मैं हूं आशीष देने वाला। इसलिए याद रखना है, समर्पित, समर्पण बनो, समर्पण। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए क्या होती है? समर्पित होती है। और एक पति भी अपने पत्नी के लिए क्या होती है? समर्पित होती है, समर्पण होता है। ठीक वैसा है, उससे कहीं अधिक ज्यादा आप और हम यीशु मसीह के लिए समर्पित बने। वो हमारे प्राणों को बचाने जा रहा है, वो हमारे रोगों को दूर करने जा रहा है, और बंजर जैसी भूमि परिस्थितियां हैं उसको हरा भरा करने जा रहा है। कितने लोग इन दोनों बातों को समझ पा रहे हैं? एक पाप को खा रही है, पाप में जी रही है, टोटल बंजर। दूसरी तरफ अब्राहम के पास संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, पर उसकी पत्नी बंजर, आशीष नहीं है, संतान की आशीष। 25 साल इंतजार करा, पर भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया, विश्वास को कम नहीं होने दिया, प्रेम को कम नहीं होने दिया, समर्पण को कम नहीं होने दिया, और वो लगातार उसी भक्ति के साथ प्रभु के साथ लिपटा रहा। टाइम आ गया, पड़ोसी को बोलो टाइम आ गया। आपका बेटा एक बेस्ट नौकरी करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। टाइम आ गया कि हम चंगे होकर खड़े हो गए यीशु के नाम में। टाइम आ गया कि आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया यीशु के नाम में। टाइम आ गया कि आपके जीवन में परमेश्वर ने संतान आशीष दे दी है यीशु के नाम में। तो नियत समय हाथ उठाकर मेरे लिए आ गया है, आमीन। जब परमेश्वर आपको भरपूरी की दशा में रखना चाहता है, कौन सी दशा में? शैतान के कामों का नाश करके आपको भरपूरी की दशा में रखेगा, बीमारी को हटा करके, समस्या को हटा करके आपको आनंद, आपको इसहाक, प्रसन्नता का जीवन आपको देने जा रहा है। तैयार है एकदम से? ये दोनों बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई? एक पापी निस्त्री के पाप कैसे खत्म हुए आप बताओ? वो यीशु मसीह के पैरों पर, मतलब यीशु मसीह के सामने अपने आप को क्या कर दिया? कोई कसर तो नहीं छोड़ी? चारों तरफ लोग देख रहे थे, ये क्या कर रही है, ये स्त्री क्या कर रही है, कोई कसर मत छोड़ो। प्रभु की भक्ति में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। उसने आपके लिए, हमारे लिए जान दे दिया, वो हमें आपको आशीष बरकत क्यों ना देगा? पड़ोसी को बोलो कोई कसर मत छोड़ो। सारी चीजें आत्मिक रीत से पूरी करो। अब्राहम ने कोई कसर छोड़ी? जब प्रभु उसके पास आया तो उसने बैठने के लिए कहाँ कहा? छांव में। ये एक आत्माएं हैं, पर ये शरीर में आ सकती हैं, इनके पास ताकत है, सामर्थ है, ये उनके संग होकर आपके घर जाते हैं, परमेश्वर के फैमिली के एक सदस्य हो जाते हैं।
ऐसे कि अभी अब्राहम के घर कौन आया? अब्राहम ने पैर धोने के लिए पानी किसको दिया? खाना किसको दिया? इतना ही किया ना। वो लोग जब जाने लगे तो क्या अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मेरी पत्नी अभी संतान नहीं है, कुछ देंगे क्या? ऐसा कहा क्या? तब परमेश्वर ने क्या किया? वो आपकी आवश्यकता को जानता है। जब आप उसकी भक्ति करते हो, जब आप उसकी महिमा करते हो, तो उसको पता चल जाता है कि आपको क्या जरूरत है। जब अब्राहम ने समर्पित रीति से प्रभु के सामने पानी लेके गया, खाना लेके गया है, और वो खड़ा है प्रभु के दास, प्रभु खा रहा है, कितनी बड़ी बात है ना। स्वर्ग का परमेश्वर जो महान आत्मा है, वो अभी शरीर में आया, जैसा यीशु मसीह शरीर में आया वैसे अब्राहम के टाइम में वो शरीर में आ गए। पड़ोसी को बोलो बहुत बड़ी बात। उस मौके को अब्राहम ने गंवा दिया क्या? आप गंवा देते हो। आप जब चर्च आते हो तो आप ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, और जब आप परमेश्वर की बातें सुन करके समझ करके जब आप अपने रास्ते जाते हो तो याद रखना है, जो चीज आपने सुना, जो चीज आपने समझा, वो अब आपके लिए होने जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या वो व्यभिचार करने वाली औरत प्रभु से कही मेरे पाप क्षमा कर दो? क्या वो स्त्री प्रभु के सामने जाकर कहती है यीशु मेरे पाप क्षमा करो, करो करो तुरंत? वो तो पहले क्या करती है दिखाओ, ये करती है पहले। देखो पहुंचते ही वो प्रभु के पैरों को क्या करती है, अब मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगी, मैं अब तेरे साथ प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगी। वो परमेश्वर के लिए समर्पित होती है और प्रभु खड़ा होता है और कहता है, हे स्त्री, पहले फरीसी से कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल, कठोर आदमी, तू तो बिल्कुल पत्थर जैसा आदमी है, तेरा मन तो पत्थर है, तूने मेरे सर पर तेल बुलाया भी और मेरी सेवा भी नहीं किया। फरीसियों ने किसको बुलाया अपने घर? यीशु मसीह को। पानी तक नहीं दिया, इतने कठोर थे वे। और वहां पर जब ये स्त्री आती है जिसको अभी आप देख रहे हो, तो इसने पैरों को चूमना नहीं छोड़ा, प्रभु को महिमा देती गई, प्रभु की प्रशंसा करती गई, और प्रभु ने कहा, समौन मैं तेरे घर आया लेकिन तूने मुझे पानी पीने के लिए, मेरे सर पे तेल नहीं मला, मेरा आदर नहीं किया, परंतु देख इस व्यभिचार करने वाली स्त्री को, देख इसने मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए इसके पाप जो बहुत थे अब इसके पाप एकदम से खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की दया ऐसी ही आएगी। अपने आप को समर्पित करो। अब्राहम ये समझकर नहीं सेवा किया कि मेरी पत्नी को संतान है, क्या ये समझकर सेवा किया उसने? बोल के बताइए। उसने केवल ये समझ के सेवा किया कि ये मेरा प्रभु है। और एक जब आपका प्रभु है तो सब भूल जाओ, सेवा के साथ आओ, समर्पण के साथ आओ, क्योंकि पिता को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है। तो जितने आप समर्पित होते हो अपने कर्म के साथ, अपने कर्म के साथ, उतने ही परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। बोलो, निश्चित समय पर वो हमें आनंदित करेगा। तो इसका मतलब हमें इंतज़ार करना है। अब्राहम कितने साल इंतज़ार किया? 25 साल। आपको 25 साल नहीं, उसका बेटा संतान पाने के लिए कितने साल इंतज़ार किया? 20 साल। तो आपको 20 साल नहीं, प्रभु आपके समर्पण को देखता है। एक 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, कितने लोग जानते हैं उसको? सुना है ना कई बार, जिसका लहू बहता रहता है उस जमाने में,
कोई भी स्त्री किसी पुरुष को छू नहीं सकती, जानते हो कि नहीं जानते, जिसका लहू बहता है उस टाइम में कोई भी स्त्री किसी आदमी को टच पाप माना जाता था, नहीं छू सकती। अब ये बताओ, यीशु मसीह के चारों तरफ क्या लगा है? भीड़, लोग जा रहे, यीशु के ऊपर गिर रहे, यीशु को धक्का भी लग रहा है, पर ये स्त्री कमजोर हो गई थी, बॉडी से खून खत्म हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था, भीड़ को चीरती हुई। हमको नहीं लगता कि ये खड़ी होकर गई, ये दोनों पैर के बल गई, मतलब पैर घुटने के बल चुपके से जाती है। लोगों ने देखा होगा कि ये स्त्री ऐसे क्यों जा रही है, लेकिन वो गई, प्रभु के शरीर को छू नहीं पाई, लेकिन प्रभु के कपड़े को छू ली। जैसे ही कपड़ा छुआ, जैसे ही कपड़ा छू लिया, जब मैं बोल रहा हूं तो प्रभु मुझे छू रहा है, अभी मेरे शरीर के रोएं खड़े हो रहे हैं। जैसे ही प्रभु ने मुझे छुआ, आहा, जैसे ही वो स्त्री ने प्रभु को छू लिया, उसका 12 साल का लहू बहने का रोग उसी घड़ी समाप्त हो गया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।